जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को बखरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घाघड़ा में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में रोजगार के तीन क्षेत्र देखने को मिल रही हैं। पहला है अवैध शराब का कारोबार, दूसरा है बालू माफिया और तीसरा है अनाज की चोरी कर पैसे में तब्दील करने और उसी अनाज को जिले में सप्लाई करने वाले माफिया दिख रहे हैं। हर पंचायत में 10 से 20 लोग मिलते हैं जो अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। रोड पर चलते हुए 10 ट्रक या ट्रॉली आपको देखने को मिलेगी, तो जान जाइए कि उसमें 2 या 3 ट्रक अवैध बालू की ढुलाई में लगे हुए हैं। ये तीनों क्षेत्र बिहार में नए रोजगार के क्षेत्र हैं। हर जिले में एक नया अनाज माफिया पैदा हो गया है जिसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है, लेकिन जमीन पर इसकी सुगबुगाहट बहुत तेजी से हो रही है। एक एक जिले में जो लोग अनाज को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये करोड़ों में डील कर रहे हैं। ये तीन क्षेत्र हैं जहां लोग रोजगार पा रहे हैं। पिछले वर्ष अब पिछले 2022 2 अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से जन सुराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की है उसको अभी 16 महीने से ज्यादा हो गए। पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा के बाद अभी कल मैं बेगूसराय पहुंचा रहेंगे। इन एक महीनों में प्रयास होगा कि यहाँ के सभी प्रखंडों में और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पंचायतों और ज़्यादातर गांवों में जाने का प्रयास करेंगे। पदयात्रा के जो तीन उद्देश्य हैं वही बात बेगूसराय में भी की जाएगी। पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव में अगर बिहार की गरीबी, पिछड़ापन, परेशानी, भ्रष्टाचार से आप राहत चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना होगा। क्योंकि अगर आपने जन सुराज के संवाद उस पर एक ही बात पर है कि आप चाहे 5 वर्ष जितनी भी बातें कर लें, चाहे आप अपनी जिन समस्याओं की चर्चा कर लें, उसमें सुधार तो तब होगा जब अपने समस्या पर आप वोट करेंगे। एक प्रश्न आपने देखा होगा, हम लोग 4,500 गाँव जहाँ गए वहाँ हर जगह मैं करता हूँ कि भैया पढ़ाई की व्यवस्था सुधरनी चाहिए या नहीं सुधरनी चाहिए, और करीब करीब 100% लोग हाथ उठाकर ये बताते हैं कि नहीं, व्यवस्था तो सुधरनी चाहिए। और उसके साथ ही मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपने बच्चों के नाम पर बताइए कि क्या आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट दिया है। अभी तक 4,500 गाँव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि मैंने पढ़ाई के लिए वोट किया है। ये दर्शाता है, ये एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं लोगों को दिखाता हूँ कि आपकी जो परेशानी है उसकी समझ आपको है, उसकी चर्चा आप करते हैं, आप उसमें सुधार चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए वोट नहीं करते हैं। तो जन सुराज पदयात्रा का जो पहला उद्देश्य है कि पहले लोगों को ये जागृत किया जाए, समझाया जाए कि भाई आपकी जो परेशानी है, समस्या है, उस पर आप वोट कीजिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की बात ये समझ में आ भी रही है फिर भी विकल्प के अभाव में लोगों को मजबूरी में भाजपा के डर से, लालू जी के डर से भाजपा को जो वोट करना पड़ता है, उस स्थिति से लोगों को छुटकारा मिले इसके लिए जरूरी है कि बिहार में एक नया विकल्प बने। और विकल्प ना हो, बिहार के जनरेटर में अच्छा काम नहीं किया तो जनता की जिम्मेवारी है उनको हटा कर किसी दूसरे को लाए, तभी तो लोकतंत्र चलेगा। इस तरह का है कि कोई कोलैबोरेशन नहीं है, जनता कोलैबोरेशन के आगे देख सकती है। आप भ्रमित पालिए, 2010 में पॉलिटिकल कोलैबोरेशन, जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार और भाजपा साथ में लड़े थे, 206 सीट मिला था, वही चुनाव है। मैं कहां जाऊं, क्या विकल्प है हमारे पास? आपके पास, आपके पास जो आपका दल आएगा, हम ही को काया बोल दीजिए, आपको जो विकल्प अच्छा लगे उसको दीजिए। वही ना, मतलब मैं कहां जाऊं, आप तो बता दीजिए। आप बदलाव की, आपने इतना निरीह बना लिया है इसीलिए तो भोग रहे हैं, भोगिए। और इसी तरह आपने, अगर आपको लगता है कि कोई नहीं था तो अभी तक काय नहीं बनाए नया दल। प्रशांत किशोर का इंतजार कर रहे थे, प्रशांत किशोर का चल रहे रोड पे, गिर के मर जाएंगे तो आप अपना जिंदगी नहीं जिंदा रहिएगा। चलिए ठीक है, सवाल है कि आप अपना दल बनाएंगे या किसी किन्हीं के साथ जाएंगे? फालतू का बात, मगर सवाल आप सवाल क्या है जी? आप सवाल अपना लिख कर लाए हैं घर से? नहीं नहीं, जो नहीं, हमने 40 मिनट बोला सुनिए ना, मेरी बात लिख के लाना मतलब दिमाग में, दिमाग में कंसेप्ट है। मैं हम जो बोल रहे हैं उसको आपने सुना ही नहीं। हमने कहा कि पूरा बिहार चल के जनता की मदद से नया दल बनाएंगे और 2025 में जनता के सामने वो विकल्प रहे, ये बात बताई।
उसको आपने सुना ही नहीं या सुनकर सुना हमारा फिर वही आप कीजिएगा हमारे मन का सवाल है तो आप अपना दल बनाएंगे या कहीं जाएंगे या कुछ भी नहीं करेंगे या फिर जनता दोनों ही नहीं करेंगे क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे सर। मैंने कहा कि कोई दल हम अपना नहीं बनाएंगे, जनता यहाँ मिल के दल बनाएगी। बस यही जवाब है सर, हो गया। दूसरा बात, जब दल अभी बना ही नहीं है तो गठबंधन का सवाल कहाँ है। तीसरी बात, अगर बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है तो गठबंधन काहे करेगी। इसी गठबंधन से मुक्ति के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कुछ लोगों का सर। 2024 को पदयात्रा लेके चल रहे हैं, मतलब की बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 जो लोकसभा चुनाव उसको अब टारगेट नहीं करके सीधे 25 को टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोग ये र्यूमर ही छोड़ते हैं। बात ये है कि जो बात हम कह रहे हैं जनता के सामने, ये कोई टारगेट हमने बाद में नहीं चेंज किया है। 5 मई 2022 को जब हमने जन सुराज की घोषणा की तो ये कहा कि दल तभी बनेगा जब हम पूरा पदयात्रा कर लेंगे। उसके बाद से हम कोई टिम्बकटू घूमने गए नहीं है। बिहार की जनता देख रही है, आप लोग देख रहे हैं कि 16 महीने से हम घर परिवार छोड़कर प्रतिदिन चल ही रहे हैं। लेकिन जब पूरा बिहार कहा है कि